फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दी चैनल। अभी हम फिश बनाने वाले हैं और अभी जस्ट फिश आया है, झील का फिश है, मतलब कावर लेक। वीडियो में तो आप तो देखे होंगे कि एक बार मैं गया था कावर झील, तो वहीं का फिश है। तो अभी हम उसको जो है बनाने वाले हैं और वो भी आग पे बनाएंगे। अलग एक्सपेरिमेंट रहेगा मेरा, उस टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ। इससे पहले मैं कभी तक फिश नहीं, ऐसा रहेगा नहीं रहेगा मेरे को नहीं पता। अगर सही रहा तब तो फिर मैं एडिट करके अपलोड करूँगा, नहीं तो फिर नहीं अपलोड होगा। ये सब साफ करके उसके बाद मसाला लगाया जाएगा, उसके बाद फिर एल्युमिनियम फिल्म में लपेट के अगला प्रोसेस उधर होगा। तो ये क्लीन हो चुका है, उसके बाद अब जो है थोड़ा सा इसमें जो है चाकू चलाना है ताकि इसमें मसाला अच्छे तरीके से लग जाए। वो जो है सूखने के लिए भी छोड़ देते हैं 5 मिनट, पानी जो है सब निकल जाएगा। ओके, तो इतना हल्दी ले लेते हैं, 2 स्पून इतना काफ़ी है, उससे बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि ज़्यादा देने से फिर स्वाद जो है अलग आ जाएगा। अब थोड़ा सा नमक ले लेते हैं इसमें। ओके, नमक तो इतना चलेगा। किसका है तो ये जो है मैं सभी डाल दूँगा, 3 में लाया था। अभी जो है इसमें थोड़ा सा पेस्ट बनाना है, लेकिन उससे पहले क्या करना है कि थोड़ा सा नींबू भी डाल देना है, इससे स्वाद जो है थोड़ा सा निखरेगा। देखते कैसा बनता है, थोड़ा सा कुछ अलग ट्राई कर रहा हूँ मैं। देखा तो मैं बहुत बार था यूट्यूब पे पता। उसके बाद उससे पहले हम थोड़ा सा आग का जुगाड़ कर लेते हैं, गोबर का, मतलब गाय के गोबर का गोइठा है। जो है एकदम से रेडी हो चुका है, इसको थोड़ा सा और डाल देते हैं। तो अभी थोड़ा सा भी कटिंग कर लेते हैं ताकि मसाला जो है इसके अंदर लगे। इसीलिए पड़ा क्योंकि ये जो है ना इस काटने वाला नाइफ नहीं है। फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो चुका है, अब जो है इसमें से हम मसाला का काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये है एल्युमिनियम फिल्म, तो ये मछली इसमें लपटेगी। उसके बाद जो है थोड़ा सा मिट्टी का लेप इस पर लगाना है, उसके बाद फिर हम आग में डालेंगे। ओके, तो ऐसे करके इस पर रख देना है और उसके बाद इसको ऐसे लपेट देना है। ओके, उसके बाद इसको जो सही तरीके से ढक देना है। ठीक है, ये एक पीस आपके लिए, ये रेडी हो गया है। अब थोड़ा सा हम जल्दी से, एक्चुअली आग तो तैयार हो गया है, अभी हम जल्दी जल्दी मिट्टी का लेप जो है बनाते हैं। ओके, मिट्टी लेंगे, पहले ऊपर का हटा लेंगे ताकि फ्रेश मिट्टी आ जाए। आग भी तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स एक्चुअली हुआ क्या था, लपेटते वक्त जैसे ही हाथ पे रखते थे तो वो निकल जाता था। ओके, तो इसलिए क्या किए कि अभी दोनों तरफ लपेट के उसके बाद ऐसे करके रोल करके फिर आग में रख देना है। कम से कम ये तो अच्छे से पके आप लोग के लिए, पता है कि आप लोगों को मिलने वाला तो है नहीं। ओके, तो ये हम रख दिए बीच में, सॉरी नहीं होगा। ओके, अब जो है थोड़ा सा आग का इंतज़ाम करना पड़ेगा। और यहाँ पे सब देख सकते हो आप, ऐसे करके ये तैयार है। ओके, और जब तक वेट करेंगे तब तक हम थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, और ये बंदा चाय भी पी रहा है अभी, मेरा बचा हुआ।
जो कि यहाँ पे रखा हुआ है। ओके तो फ्रेंड्स, अभी मेरा हम दोनों का फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है। ओके तो देखते हैं कैसा ये मछली बनता है। ओके हम वीडियो बोल दिए थे, तो देखते हैं कैसा बनता है और स्वाद कैसा रहता है। ओके वैसे चाय मम्मी अच्छी बनाई है, एक्चुअली पूरा का पूरा पसीना आ रहा है, गर्मी काफ़ी तेज है, इधर हवा भी नहीं चल, मतलब कुछ कोई एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। ओके अच्छा काम किया है कि चारों तरफ से आग लगा दिया है और इसमें जो है ना पक रहा, धीरे धीरे पक रहा। आवाज़ मैं आप लोगों को सुनाता हूँ एक बार। टेक्निक है चारों तरफ आग लगाने का। ओके A few moments later. ये जो है तो जल गया है, पता नहीं कैसा लगेगा नहीं लगेगा, ऐसे देखते हैं। तो ये ठीक ठाक है, वैसे ये भी हल्का जल गया, हल्का क्या पूरा जल गया। एक्चुअली मेरा टाइमिंग थोड़ा सा सही नहीं था। ओहो तो ये पक तो गया है, तो हल्का हल्का जल गया। इसको अभी निकालते हैं थाली में, उसके बाद ही कुछ आइडिया लगेगा। तो फ्रेंड्स ये जल गया वो बात अलग है, बट बना है काफ़ी टेस्टी। तो अगले बार एक बार और ट्राई करूँगा तो उसमें काफ़ी सही बनेगा। एक्चुअली इस बार क्या हुआ था कि ये थोड़ा सा पकने का टाइमिंग सही नहीं था, इस वजह से थोड़ा सा ये हो गया। ओके वैसे बना है ये काफ़ी अच्छा बनाइए, उसके बाद ये ओके। ये काफ़ी ज़्यादा जल गया क्योंकि इधर जो लगता है ना आग काफ़ी ज़्यादा तेज था, इस वजह से। ओके फ्रेंड्स ये जो है यहाँ पे इस तरीके से है, ये आप देख सकते हो। ओके तो अभी हम खाएंगे इसको और देखते हैं कैसा। वैसे स्वाद तो काफ़ी अच्छा है, इस पर क्या करना है कि हल्का सा नींबू छीट लेते हैं। ओके इसके बाद फिर खाते हैं। स्वाद काफ़ी सही है, बाकी नहीं बस जल गया वो चीज़ अलग है, वैसे बना काफ़ी अच्छा है।